आरएलबी 100 प्लस रहेगी। हाँ एक तरफा बहुमत 100 प्लस सीटें बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। 100 से नीचे नहीं 100 से प्लस रहेगी गारंटी। जनता ने मन बना लिया अब। अच्छा नीम के पत्ते तोड़ के वो पैकेट दे रहे हैं, वो कोई योजना थोड़ी, कोई योजना किसको बोलते हैं? मिर्ची कभी जनता ने खाई नहीं है क्या? दोस्तों राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव आने ही वाले हैं। चुनावों से ठीक पहले हम हमारे चैनल पर निरंतर आपको बुजुर्गों व युवाओं के वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ में कुछ बाटाडू गांव के नौजवान हैं, इनसे जानते हैं कि चुनावों को लेकर के इनकी क्या राय है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनुमान राम है। अच्छा हनुमान राम जी, आपका कौन सा गाँव है हनुमान जी? ग्राम पंचायत जाऊँगा भीमडा। भीमडा, जिस तरह से राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है इस बार राजस्थान का युवा क्या चाहता है? राजस्थान का युवा परिवर्तन चाहता है। अच्छा आरएलपी बिल्कुल। अच्छा आरएलपी क्यों? आरएलपी बस यही है कि भ्रष्टाचार बहुत है, और ये अभी हमारे यहाँ पे जो सड़क बनी है वो पूरी टूटी हुई है। भीमडा से बाटाडू तक पूरी सड़क ही नहीं बनी है, पूरे खड्डे ही खड्डे पड़े, आने जाने में बहुत परेशानी होती है। और मंत्री जी बोल रहे हैं आज बनाएंगे कल बनाएंगे, अभी तक यहाँ पे बनी नहीं है सड़क, और नाप लेके छोड़ दिया है, बस यही कारण, और कुछ कारण नहीं। और लाइट तो आती नहीं है हमारे यहाँ पे, 3 घंटे 4 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आ रही है, और वोल्टेज आ रहे हैं 300 साढ़े 300 वोल्टेज आ रहे हैं, और ट्यूबवेल के सारे मोटर है जो जल रहे हैं, और कोई ध्यान दे नहीं रहा है, बस यही कारण, और कोई कारण नहीं। आपने यहाँ पे जिक्र किया कि भ्रष्टाचार है, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत की सरकार कहीं कल्याणकारी योजनाएं भी ला रही है, तरह तरह की योजनाएं ला रही है, क्या उन योजनाओं का असर कुछ नहीं हुआ एक आम आदमी पर? योजनाओं का असर क्या हुआ है? पैकेट फूड पैकेट आपने देखे हैं कैसे निकले हैं? फूड पैकेट तो देखा ही होगा ना, क्या योजना में क्या है? नीम के पत्ते तोड़ के वो पैकेट दे रहे हैं, वो कोई योजना थोड़ी, कोई योजना किसको बोलते हैं? मिर्ची कभी जनता ने खाई नहीं है क्या? स्मार्ट महिलाओं को स्मार्टफोन दे रहे हैं, स्मार्टफोन तो क्या है वो? फ़ोन वो कोई फ़ोन नहीं है, ऊपर से वो तो दुनिया पब्लिक बिगड़ रही है उसमें। फ़ोन तो हमें ऐसा चाहते हैं कि कीपैड वाला फ़ोन होना चाहिए, स्मार्टफोन तो होना ही नहीं चाहिए, क्यों दे रहे हैं ये तो बिगाड़ने का काम हो रहा है ऊपर से। इसीलिए आप परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल सही। अच्छा आपको क्या लगता है हनुमान बेनीवाल सत्ता में आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल। वो किसान इतनी सी पार्टी है, मतलब लाइट के लिए ये, मतलब रोड है वगैरह वगैरह है, टोल मुक्त राजस्थान होना चाहिए, मतलब मैं तो ये बोल रहा हूँ टोल मुक्त भारत होना चाहिए, राजस्थान नहीं पूरा भारत टोल मुक्त होना चाहिए। सबसे बेहतरीन काम है नितिन गडकरी का, सबसे बेहतरीन काम बस जी। अच्छा बाबा जी आप रुका नाम है? दुर्गा राम नाम है। दुर्गा राम जी आप रुका है? भीमडा जाऊंगा। अच्छा भीमडा, बाबा जी वोट आवे ने रखा कहना चाहो आप? वोट देना चाहो। भाई अमित जी ने। अच्छा अमित जी। अच्छा बाबा जी अमित जी क्यों? अमित जी क्यों यूँ पूछे? अमित जी तो मतलब मोर इच्छा है। अमित जी ने कई कारणों देना चाहो आपने कहीं एडो अच्छो लागियो के अमित जी वो काम करिए? काम करिए है लोग दे जे मैं दे दो तो आपका अच्छा लगे दे दो वो तो आपके मन वजन दे दो। बट बाबा जी मुख्यमंत्री गहलोत कई योजनाओं काटी है, आप बूढ़े बुजुर्गों के लिए पेंशन भी बढ़ाई है, फिर आप खुश नहीं हो क्या गहलोत साहब योजनाओं? बहुत तो मैं आता रहे खुश ही हो, खुश क्यों कौन है, खुश ही हो गरीब बात आओ खुश कौन आ बात नहीं, खुश हो पर वोट नहीं दो है ना? वोट ही तो मैं एक बार दरी जी जाओ अंगड़े बड़े दरी जी को नहीं एक बड़े आए वोट अंगड़े बड़े अंगड़े आओ को नहीं। चलिए बाबा जी यहाँ पे मजाक अंदाज में भाई साहब कुछ नौजवानों से बात करते हैं। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम किशोरी सराम। अच्छा कौन सा गाँव है आपका? भीमडा। भीमडा, चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है राजस्थान का युवा क्या चाहता है इस बार? राजस्थान का युवा परिवर्तन चाहता है। अच्छा परिवर्तन चाहता है, पूरी तरह से परिवर्तन के मूड में, एक तरफ 100 से प्लस वोट विधानसभा में भेजेंगे। आरएलपी के उम्मीदवार? अच्छा सिर्फ बायतू से ही आप चाहते हैं कि आरएलपी जीते राजस्थान में इस बार? राजस्थान में इस बार क्या लगता है आरएलपी का क्या प्रदर्शन रहेगा? आरएलपी 100 प्लस रहेगी। हाँ एक तरफा बहुमत 100 प्लस सीटें 100 प्लस सीटें बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। 100 से नीचे नहीं 100 से प्लस रहेगी गारंटी। जनता ने मन बना लिया अब। अच्छा आपने बहुत बड़ी बात कही है कि राजस्थान के अंदर 100 सीटें आरएलपी जीतेगी। जनता का माहौल है, माहौल देख लग रहा है, आप भी देख सकते हैं। चलिए भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं झा गाँव से बिलोंग करता हूं और आरएलपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। और हमारे उम्मीदवार से उम्मीदों के उम्मीद बायतू के जो नेता राष्ट्रीय नेता है उसकी एक ही सोच है कि यहां के स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले, जो नागड़ा है या रिफाइनरी है। तो यहां पे क्या है कि ये बड़े बड़े राजनेता है, उसने बहुत बड़ा एक ठेका बना रखा है, जो उसी के ही कार्यकर्ता है और उसी के भाई है या उसी के ही जो रिलेशन में है उसी को ही कंपनी में लगाया जाता है या उसी का ही जो बड़ा उसको पैसे देता है। जैसे स्थानीय लोग हैं तो उसको रिफाइनरी के अंदर बड़े बड़े ठेकेदार छोड़ रखे हैं, तो आप उससे बात करो, चाहे छोटी सी गाड़ी भी लगाना हो
या किसी से कंपनी के अंदर बनाना हो या गेट पास बनाना हो तो कोई उस नेता के जो पड़ोसी है या उसके रिलेशन है उससे मिलो और बाद में उसको कंपनी में लगाया जाता है। बाकी स्थानीय लोगों की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। जैसे आप देख रहे हो या कई दिनों से सरसा चल रही है कि नागाड़ा के अंदर खांजी कतला है, सोकला है, नागाड़ा, इसके अंदर जो लोगों के ट्यूबवेल है उसी के अंदर क्रूड ऑयल और कारा पानी आ रहा है। आपकी शिकायत किससे है ये बताइए? हमारी शिकायत जो वर्तमान में सरकार है उसी से ही है कि यहाँ के जो स्थानीय नेता है वो तो जो एक दिन आप जो सिस्टम है सिस्टम से खुश नहीं है। हम सिस्टम से खुश नहीं है, जो स्थानीय लोग यहाँ के नेता है उससे बिल्कुल खुश नहीं है। हमारी मंशा बन गई है कि अब की बार हम विधानसभा के अंदर उम्मीदवार राम सिंह बेनीवाल को भेजेंगे। जैसे कि हम लोग है जो 18 के अंदर फाइलें भरी रखी थी लाइट की, तो डिमांड पूरे भरा चुके हैं और गवर्नमेंट के खाते में पैसे जा चुके हैं। उसी की जो कृषि कनेक्शन आगे सीजन आ रही है, 10-10 लाख रुपए देके किसानों ने कर्ज लेके और ट्यूबवेल करवा दिए, उसके सामान लेके आए और उसी का कोई कृषि कनेक्शन देने की अभी तक कोई बात नहीं है। और जो स्थानीय नेता है वहाँ के दबाव में आके बिजली घर का पूरा स्टाफ घर कनेक्शन देने के लिए लगा हुआ है और कृषि कनेक्शन की कोई बात नहीं हो रही है। तो उसे हम जो अमिंदर राम जी से कह रहे हैं कि एक दिन आप निश्चित करें और बिजली घर का घेराव करें और किसानों को जल्द से जल्द सीजन तक कृषि कनेक्शन देना वाले की कष्ट करें और जो यहाँ काला पानी आ रहा है लोगों को न्याय दिलाएं। क्रूड ऑयल है जो काला पानी आ रहा है, खेतों के अंदर जमीन बर्बाद हो गई है और बाकी जमीन थी वो ले ली है और कहने तो अब वो क्या करेंगे। जो किसान के पास में एक ही संसाधन होता है कि जमीन, उस पर ही वो निर्भर है और वो ही चली गई तो अब किसान क्या करेगा। पीछे थोड़ी बहुत बची है तो वो इस पानी से खराब हो चुकी है, उसके अंदर बिल्कुल अनाज नहीं हो रहा है, बिल्कुल नष्ट हो गई है। तो इसीलिए हम बिल्कुल अमिंदर राम जी से सब मिलते रहते हैं और इस समस्या का समझ लेते। तो दोस्तों ये बाटड़ू गाँव के नौजवान थे, बुजुर्ग थे और इन्होंने अपनी राय रखी, इन्होंने अपनी समस्याएं भी रखी और ये इन सभी की राय थी। आपकी इनकी राय की प्रतिक्रिया है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।